आईपीएच एवं बागवानी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जाएंगी। इसके लिए केंद्र से हजारों करोड़ की योजनाएं मंजूर हुई हैं। ये बात आईपीएच बागवानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी में एक्स सर्विस मैन लीग के सैनिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश के हर नौजवान के लिए आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए, जैसे कि कुछ देशों में ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे नौजवान अनुशासित हो जाता है, यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। महेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने 1969 में 9 डोगरा रेजिमेंट में बतौर सिपाही भर्ती होकर देश की सेवा की है। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि आज हम देश के भीतर सुख चैन से जीवन गुजार रहे हैं, ये सब सीमा पर दिन रात पहरा दे रहे हमारे उन नौजवानों की वजह से है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 सालों बाद मंडी को सीएम का पद नसीब हुआ है। हालांकि टेरिटोरियल काउंसिल के अध्यक्ष रहे ठाकुर करम सिंह ने 1967 में प्रयास किया था, मगर वे कामयाब नहीं हुए। इसके बाद 1993 में पंडित सुखराम के लिए हमने प्रयास किया था। उस दौरान चंडीगढ़ से पंडित सुखराम ने स्टेटमेंट दी थी कि 30 विधायक उनके साथ हैं। इसके बाद विभद्र सिंह ने शेष बचे हुए विधायकों को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री की दावेदारी जता दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहा राव ने दिल्ली में हमें कहा कि विभद्र सिंह का साथ दो। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि उस दौरान मंडी की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस के विधायक जीते थे, जबकि एक आजाद प्रत्याशी टेक चंद डोगरा भी कांग्रेस समर्थित ही थे। इस बार भी 1993 वाली स्थिति थी। भाजपा ने मंडी में 10 में से 9 सीटें जीती हैं और एक आजाद प्रत्याशी प्रकाश राणा भी भाजपा के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बागवान ने तीसरा नेत्र खोला और मंडी को जयराम के रूप में युवा मुख्यमंत्री मिला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से फौज में जवान चाहिए, उसी प्रकार राजनीति में भी अब जवान ही चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पद भार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री शिष्टाचार भेंट की और आईपीएच के लिए 3000 करोड़ रुपए, बागवानी के लिए 1134 करोड़ की योजना मंजूर करवा ली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन योजनाओं को लागू करने के लिए अब पूर्व सैनिकों का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए पूर्व सैनिक लीग के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें वर्षा जल संग्रह और उसके उपयोग और बागवानी को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल वीरता और बलिदान के लिहाज से देश में नंबर 1 है, इसीलिए सेना में भर्ती कोटे में वृद्धि और हिमाचल रेजिमेंट के गठन का मामला मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया जाएगा और उनके माध्यम से केंद्रीय नेताओं के समक्ष ये मामला उठाया जाएगा। इससे पूर्व कर्नल शाही और ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने पूर्व सैनिकों की मांगों को मंत्री महोदय के समक्ष रखा। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के कारगिल युद्ध में 52 रंग वॉकर खोए हैं, जिनमें से 12 अकेले मंडी जिला के थे। उन्होंने कारगिल स्मारक और सैनिक सदन का मुद्दा उठाया। वहीं पर एनडीआरएफ की बटालियन के लिए पूर्व सैनिकों की सेवाएं प्रदान करने की भी जिला प्रशासन को आश्वासन दिया। वहीं पर पूर्व सैनिकों की आपदा प्रबंधन बटालियन बनाने की भी मांग की गई। इस अवसर पर विधायक जवाहर ठाकुर और प्रकाश राणा भी मौजूद रहे। 1993 में हमने प्रयास किया कि मंडी के नाम से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हम 9 विधायक कांग्रेस पार्टी के बीच आए और ये भरत सिंह मंत्री इतने एक्टिव नहीं था। जब 30 की रेटू ने फैसला दे दिया तो 20 भरत सिंह ने जितने भी बाकी बचे हुए थे उसने सारे इकट्ठे किए और 26 अपने पास कर दिए, बाकी हिमन हुए और जोर करके कह दिया कि भैया तो मैं तो मुख्यमंत्री की राय में हूँ। तो यार मंडी वालों के साथ बहुत अन्याय हो गया। 70 साल हो गए किसी यहां की खुली तो किसी यहां के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमात्मा अमित शाह ने उन्होंने चिंतन किया था कि इस बार मंडी वालों ने 1993 का इतिहास बनाया है। जो इतिहास है वो उन्होंने करवाया कि 9 सीटें बीजेपी को दे दी और हमारा एक बीजेपी का कैंडिडेट है मंडी वाले के रूप में 10 हो गया भाई और बहनों। 70 वर्षों के बाद हमने मुख्यमंत्री बहुत मान सम्मान किया।
जवान राजनीति कह सकती है, और जवान राजनीति के रूप में हमारे हमारे मंडी विधायक का राज क्षेत्र के विधायक, पांच बार के विधायक और 52 साल की उम्र में अब इस प्रदेश से मुख्यमंत्री के रूप में ठाकुर जयराम जी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ।